खबर बठिंडा तो है जिथे लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस ने पत्रकारा नाल गलबात करदिया सरकार ते निशाने साधे ने। बैंस ने किसानां नूं अंदोलन विच खाण पीण वालियां चीज़ां दे हो रहे निरादर तो गुरेज करन दी सलाह दित्ती अते नाल ही कहा कि किसान खाण पीण वालियां चीज़ां दा निरादर ना करन सगों इन्हां वस्तां नूं लंगर जां गरीबां नूं दान वजो दे दिता जावे। बैंस ने किसानां दी हिमायत करदिया कहा कि सरकार नूं झोने ते कणक वांग सब्जियां दा MSP भी तय करना चाहिए। किसान दा गन्ने दा कणक दा चौलां दा रेट फिक्स हो सकदा, सब्जियों दा क्यों नहीं हो सकदा? शिमला मिर्च लसन दी फसल जिहड़ी है तबाह हो गई पंजाब दे विच, किसानां ने बात ही हो जे उहदा रेट ये कहिंदी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ सी शिमला मिर्च दा रेट 20 रुपये करता 19 रुपये 99 पैसे नहीं हो नैशनल मंडी दे विच। जे रेट बढ़ गए तो किसान वीरों तुहाडी किस्मत हैगी, पर 20 तो 19 रुपये 99 पैसे नहीं होगा, किसान जाएगा कित्थे? असीं सपोर्ट करते हैं पर किसान नेतावां नूं जथेबंदियां नूं अपील करते हैं भी खाण पीण वाली वस्तु का निरादर ना करो, उन्हें सड़क पर ना डोल्यो, उन्हें सड़क पर सिट के तबाह ना करो, किसी मंदिर गुरद्वारे किसी लंगर के जाके पा दौ सब्जी पा दौ दुध पा दौ, पर इस संघर्ष वास्ते असीं सारे किसान नूं बचाउण वास्ते किसान दे नाल खड़े। केंद्र वालों लंगर उत्ते GST दे फैसले बारे उन्होंने कहा कि गुरु रामदास लंगर उत्ते एहसान जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों यह जजिया इकट्ठा किया जा रहा है पर रामदास लंगर नूं रिफंड की लोड़ नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ हाथी के दंद खाण वाले होर ते दिखाउण वाले होर पंजाब विधानसभा के अंदर विरोधी धिर वालों जो GST का मुद्दा सरकार के सामने चुकया तो सरकार ने वो गल मन के अपने हिस्से का GST खत्म किया गुरु रामदास लंगर तो, हुण की होया हुण इन्हां गल्लां दे आउण तो बाद इन्होंने की कराया जाके कहिंदे जी पहला गुरु रामदास लंगर तो GST लवेंगे, सारी रकम केंद्र सरकार को जाऊगी, फिर उत्थों वापस गुरु रामदास लंगर के उत्ते एक एहसान किया गुरु के उत्ते। मैं अज हरसिमरत कौर बादल ते बादल परिवार को यह चेतावनी देवां कि तुसीं गुरु के उत्ते एहसान कर रहे हो, तुहानूं पहले ही बड़ी वड्डी सजा लोगों ने दित्ती है, 60 MLA सी ते अज तुसीं 14 रह गए, जाओ जाके अस्तीफा दिओ, जाके दबाव पाओ केंद्र के उत्ते भी असीं एक नवा पैसा GST का नहीं देना, वापस क्यों लवेंगे, देना ही नहीं गा, सी छड्डो अपने लोभ ते लालच कुर्सियां छड्ड के आओ वापस पंजाब दे विच। शाहकोट चोण बारे बैंस ने कहा कि कैप्टन ते बादल दी संधि होई है, उन्होंने कहा कि कैप्टन दी कुर्सी बचाउण दे लई बादल ने मदद की है, उन्होंने दावा किया है कि जिस दिन पंजाब दा मुख्यमंत्री कैप्टन तो इलावा कोई होर बनेगा तो उसे दिन अकाली दल की पुठी गिणती शुरू हो जाएगी। नाल ही बैंस ने ऐलान किया है कि वह 2019 की चोण लड़नगे अते नाल ही छेती ही पूरे पंजाब विच पार्टी दे यूनिट खड़े किए जाएंगे। साल अकाली दल जिहड़ा राज करदा रहा उन्हें कांग्रेस जिताई है, छोटे वीर नथा सिंह ते प्रेम सिंह एको चीज़ आ, बादल चाहते आ भी कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी मजबूत रहे, कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी जितने खतरे च पै गई ना, कैप्टन की जगह पर कोई कांग्रेस के दूजा मुख्यमंत्री बन गया तो बादलों का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाना, पुठी गिणती शुरू हो जानी है, अपनी पुठी गिणती रोकने वास्ते कैप्टन अमरिंदर जिता बादलों की मजबूरी आ। बाय इलैक्शन गुरदासपुर MP पहली वो जिताई तो दूजी जिताई शाहकोट। मैं आज तो 25 दिन पहला DWD दे कहता सी भी ये बादलों की कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल संधि है, कैप्टन की कुर्सी मजबूत करने वास्ते बादल अकाली दल कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रसी उम्मीदवार जिताएगा ही जिताएगा, इस करके 21 साल राज करने वाले लोगों ने यह सीट कांग्रेस को जिताई है अकाली दल। बठिंडा तो विनोद बंसल की रिपोर्ट, चैनल पंजाब।